तरफ से, माइनॉरिटी एससी और एसटी की तरफ से, ओबीसी की तरफ से जामिया हमदर्द के हमदर्द वाले सफलों का शुक्रिया अदा करता हूं। इस बात की कोशिश की कि हम सबको जमा करें और वो चीजें जो बिक्री हुई हैं अभी इधर उधर उनको एक जगह बैठ के सर जोड़ के हम पूछें कि इस मुल्क की शिक्षा का भविष्य क्या होगा। मैं अजय कुमार सिंह साहब को भी और प्रोवाइस चांसलर साहब को भी, रजिस्ट्रार साहब को भी काफी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का एक एहतमाम किया और उन्हें बुलाया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहां शिक्षा के मैदान में जो माइनॉरिटीज के हवाले से सबसे बड़े नाम हैं उनमें से एक कर योगी है कि ईमानदार साहब एक साधना नहीं है जिन्होंने तेलंगाना मॉडल दिया है कि ईमान साहब उस मॉडल को भी देखना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए। यहाँ फखरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती बैठे हुए हैं, मुख्तार अंसारी बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को चीज का पता है और इन सबसे बढ़ते हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब बैठे हुए हैं जो असल में फौजी हैं और फौजियों का काम जबर से लेना होता है काम, लेकिन इस सब से काम इन तमाम बातों के बाद जो बात मुझे कहती है वो ये कि देखिए ऐसा है कि बगैर पीछे देखे हुए हम आगे की तरफ नहीं चल सकते। पीछे लोग देखना अच्छा नहीं समझ के लोगों का ख्याल ये है और खासतौर पर मुसलमानों के बारे में तो खासतौर पर है कि वो नादी में जिंदा रहते हैं और पीछे मुड़ते रहते हैं। साहेबो जिसके पीछे कुछ होता है वही मुड़के जानता है, जिनके पीछे कुछ नहीं है वो क्या देखेंगे। हमें अपने माजी से अपने हाल को और हाल को मुस्तकबिल से जोड़ना है और इस कनेक्टिविटी के बगैर हम कोई बेहतर डिस्कशन नहीं कर सकते, उसकी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आप मुझे माफ कीजिए, बहुत कड़वी बात नहीं लेकिन सच बात है, मुसलमान पसमांदा है तालीमी अखबार से, शैक्षिक रूप से पिछड़े और इसकी वजह सीधी सादी ये है कि मुसलमानों के मोहल्लों में पिछले 72 साल में स्कूल कम और थाने अधिक हो गए और उसके नतीजे में वो पिछड़ते चले गए और एक खास किस्म की जहनियत और मानसिकता जो थी उसका वो शिकार हो गया। मदरसों के बारे में बहुत बुराइयां की जाती हैं, मैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का कायल हूं ये बताऊंगा बहुत साफ बात, लेकिन मैं मदरसे वालों से इतना जरूर चाहता हूं कि वो अपना जो शानदार माजी है उसको एक करके दोबारा बहाल करें। और वो क्या था, 1857 से पहले जब दिल्ली में सियासी तौर पर कॉलोनियल रूल हो गया तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ सत्ता को नहीं अपनाया, सियासत को नहीं बदला, बल्कि उन्होंने हमारे तालीमी निजाम को और हमारी जो इलाज का तरीके थे उनके ऊपर भी क्या उलट के नतीजा क्या हुआ कि वो सिस्टम जो इंक्लूसिव था उसको एक तरह से उन्होंने एक्सक्लूसिव बना। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं, वो ये कि एक ही मदरसा है जिससे ताजमहल का मेहमान एमानुल्लाह भी निकलता है, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा मुकद्दर वजीर सादुल्ला भी निकलता है और सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग और आलिम शेख अहमद सहिंदी भी निकलता है। मदरसे से सिर्फ मुफ्ती मौलवी मुफस्सिर इमाम और मौक्किल नहीं निकलते बल्कि वहां से वो भी निकलते थे जिन्होंने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, ताजमहल का हुस्न दिया, लाल किले की पुख्तगी दी, शाहजहानी मस्जिद का तहद्दुस दिया।
वो माफ कीजिएगा, जब ये काम कर रहे थे उस वक्त न दुनिया में ऑक्सफोर्ड थी, न हार्वर्ड थी, न कैम्ब्रिज थी, सिर्फ मदरसे थे और मदरसों से निकल के आते थे। मेरा मदरसे वालों से ये कहना है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे भड़कने के बजाय अपने उस माजी को रीगेन करने की और रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कल को कर सकते थे तो आज को नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है इस नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से, वो ये, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत तकलीफ है सरकारों ने, मैं किस सरकार को खाली नहीं कह रहा, तो पूरा सिलसिला है ये तय कर लिया कि तालीम और सेहत जो है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, बाजार के सुपुर्द कर दिया। और ये जो बाजार के सुपुर्द हमारी शिक्षा पद्धति को और हमारी स्वास्थ्य या स्वास्थ्य की प्रणाली को सुपुर्द किया गया है, उसके नतीजे में गरीबों के लिए कम से कम इम्कान हो गए। इस पर गौर करें। सवाल यह है कि आप इस मुल्क के नीचे जो पिछड़े लोग हैं, नीचे के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उनको किस तरह ऊपर उठाएंगे, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए बहुत अहम है कि उसके बगैर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उससे बाद लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मैं आउट ऑफ कन्विक्शन होकर कहता हूं, मुझे मुसलमान की फिक्र नहीं है, मुझे हिंदुस्तान की फिक्र है। अगर जो कुछ हिंदुस्तान के हित में है वही मुसलमान के हित में, हम ये मान के, ये सवाल है। सवाल ये है कि एक तरफ हमारा दस्तूर जिसकी बार बार यह बात कही गई, हमें दफा 1930 देता है, और दूसरी तरफ हमसे हमारे इदारे जो हैं उनको छीनने की कोशिश की जाती है। ये सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। एक बात और मुझे इस क्या मैं ड्राफ्ट के हवाले से कही गई, इसके अंदर बात कही गई है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं अब उनके मुखिया वाइस चांसलर नहीं होंगे बल्कि चेयरमैन भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का होगा। मालूम हुआ कि हम एक दफा फिर एक न्यू कॉलोनियल इज्म को जन्म देना चाहते हैं, जहां वाइस चांसलर तो बहादुर दफर होंगे और आप क्या मैं माफ कीजिएगा, आइडियोलॉजी के नाम पर कुछ लोगों की नियुक्तियां जो है वो रेजिडेंट बहादुर के नाम पर की जाएंगी, और इस तरह से यूनिवर्सिटियों को बैकडोर से और शिक्षा संस्थाओं को बैकडोर से गवर्न करने की कोशिश की जाएगी। इस पर हमें पूरी तरह से गौर करना चाहिए और इसकी जो खतरनाकियत है उसको देखना चाहिए। दूसरी बात जो है वो माफ कीजिएगा, दुनिया में एक टर्म जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो मदर टर्म की, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में मदर टर्म की बात नहीं की जाती है, होम लैंग्वेज की बात की जाती है। मैं नहीं समझ पाता कि इसका क्या मतलब है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप बुनियादी तौर पे मदर टर्म को तस्लीम कीजिए, उसकी अहमियत को मानिए। तमाम शिक्षाविद माहिरीन तालीम इस पर सहमत हैं, मुत्तफिक हैं कि बच्चे की बेहतर तालीम जो है वो मादरी जबान में होगी, और खास तौर से सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल। हमें हम इसी जबान के खिलाफ नहीं है, हम खुद कहते हैं अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, जहां हिंदी नहीं है वहां इलाकाई जबान पढ़नी चाहिए, लेकिन लोगों को मादरी जबान सीखने पढ़ने और उसको आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हमारी कल जो अभी बात कही गई कि इस मुल्क में कोई परमानेंट मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि जोग्राफिया बदलते ही मेजोरिटी माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी मेजोरिटी में बदल जाती है। सिख
पंजाब में मेजोरिटी में पूरे देश में मेजोरिटी में है, पूरे देश में माइनॉरिटी में। मुसलमान कश्मीर के अंदर मेजोरिटी में, बकिया देश के अंदर माइनॉरिटी में। ईसाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट की बाजियास्तों में मेजोरिटी में है, लेकिन हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में। हिंदू जो इनामदार साहब कह रहे थे, ऐसी बहुत सी रियासतें हैं जहां पर के वो माइनॉरिटी है, और माफ कीजिएगा यही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है। हिंदी इस देश की राजभाषा है, लेकिन इस मुल्क के 10 सूबों में वो अकलियतों की दुआ है। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं, इस सूरत हाल में होम लैंग्वेज के नाम पे कहीं माफ कीजिएगा, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, आप इसको कह सकते हैं कि मैं एक तरह से खौफ की नफ्सियात का शिकार, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं। सिर्फ ये बात कहनी है कि होम लैंग्वेज के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि कल मुझसे ये कहा जाए कि आपकी भाषा जो दर्ज की गई है सेंसस के अंदर वो फला की गई है। और ये खास तौर पर होता रहा है पिछले साल, इसलिए हमें इस बात की फिक्र है कि इस पर भी गौर करना चाहिए। और सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में जो मदर टंग का पूरा एक कंसेप्ट है उसको हमें बाकी रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। यहां पर एक सवाल जो कहा गया है रिपोर्ट के अंदर मदरसों के बारे में भी बात कही, मदरसों से की के अंदर स्किल हो, मैं उसका हामी हूं। और मैं इसलिए हामी नहीं हूं कि सरकार कह रही है, इसलिए कह रहा हूं कि 30 मई 1860 को देवबंद में जब दारुल उलूम की बुनियाद पड़ी थी तो वहां पर सिर्फ कुरान हदीस फिक्र की तालीम का इंतजाम नहीं हुआ था, बल्कि वहां पर यूनानी मेडिसिन, वहां पर बुक बाइंडिंग, वहां पर चल काफी लेटर क्राफ्ट को भी निसाब का हिस्सा बनाया गया था। अगर कल वो हो सकता है तो आज तो नहीं हो सकता, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मदरसों से वो न निकले जो आए और मोहल्ले की रोटियों पर गुजारा करें, बल्कि हम चाहते हैं मदरसों से ऐसे लोग निकल के आए जैसे इमाम अबू हनीफा थे, कि उनके एक हाथ उनकी जो जितनी मजबूत नजर बक्या में कुरान और सुन्नत पे थी उतनी मजबूत पकड़ बाजार। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार से हमें ये कहना है कि मदरसों में आप ये इंतजाम करना चाहते हैं जरूर की है। जो मदरसे वालों से भी हम कहेंगे कि उन्हें इस तरह की कोशिशों का इस्तकबाल करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, लेकिन एक गुजारिश करेंगे और उसी की वजह से मदरसे वाले परेशान, जितना दीजिएगा उतने का हिसाब मांगिएगा। ये नहीं कि आप ये कहें कि बकिया जो आप दें तो 1 लाख रुपए और कहें कि मदरसे में साल भर का खर्चा जो है वो 20 लाख आया है, 19 लाख का भी हिसाब दो। वजह ये है उसका हिसाब देना कम्युनिटी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो मुट्ठी भर आटा और मुट्ठी भर चावल देकर मदरसों को नई जिंदगी देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और उनके काम आते हैं, वो इसका हिसाब कहां से दें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि सरकार को समझना चाहिए। मैंने ये बात इसलिए कही है कि एहतेशाम हसनैन साहब से मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम की जो सिफारिशात हुए जिनको कि वो समझते हो जरूरी है उनको कंपा